गहना बिचारी दुखों की मारी, वैसे दुखों की मारी नहीं है, मुसीबत की मारी है। वैसे बात तो एक ही है और वैसे भी उसका दुश्मन भी तो एक ही है, सागर। तो देखिए अब की बार सागर ने क्या चाल चली है गहना को फंसाने की। सही तो है, एक ही पापी तो है इस दुनिया में, जो गहना का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो दुश्मन है सागर। अब देखिए ना, सागर गहना का पीछा छोड़ता ही नहीं है। हाँ, घर के मेंबर अपना तो एक ही पापी है हमेशा का, वो है सागर। और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि और किसी को पता नहीं था कि गहना मंदिर आने वाली है। ये लास्ट मिनट प्लान था और बस इसलिए हमें लगता है कि सागर है। और यहाँ पे बस बहुत करीबी से निकलते भी हैं पर मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि वो सागर है, क्योंकि फिर से उन्होंने भेस बदला हुआ है। वो इतने भेस बदलते हैं, मतलब 7 भेस बदल चुके हैं वो 5 महीने में, तो शायद उनका पासपोर्ट कैंसिल ही हो जाएगा अब। अपने अनंत जी के सही सलामती के लिए एक गहना मंदिर आई थी भगवान से प्रार्थना करने, कि अचानक से ये भेस बदल कर सागर भी पहुंच गया और हमेशा की तरह उसने फिर की एक घटिया हरकत। गहना को बेहोश करके उसने डोली में बिठा दिया और बेचारे अनंत जी गहना को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मौकाए वारदात पर ये पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन भाई हमेशा की तरह ये लेट हो गए, क्योंकि किडनैप करने वाले ने गहना को किडनैप कर लिया है। अब ये नहीं जानते कि गहना खुद की रक्षा कर सकती है, जब उसे होश आएगा तो सागर के होश वो ठिकाने लगा देगी। अब ये पहले वाली डरी सहमी गहना नहीं है, ये तो वकालत करने वाली गहना है जो मुलजिम को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कैमरामैन विपुल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।